ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी अवेयरनेस। वी हैव डिस्कस अबाउट ब्रेथ अवेयरनेस की ब्रेथ अवेयरनेस क्या होती है, कैसे इसको इसके एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है ओवरऑल इन आवर डे टू डे लाइफ। नाउ बॉडी की अवेयरनेस क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस एंड हाउ वी कैन अवेयर अबाउट अवर बॉडी। ओके तो बॉडी अवेयरनेस टेक्निक इज वेरी सिंपल। ओके यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर बॉडी एंड फील द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। That's the technique. I mean, that's how you can be aware. But उसके लिए आपको एक particular position लेनी पड़ती है. Then you have to focus. You have to keep your eyes closed. Everything is there in that. This practice intended to make you aware of your body. Okay. So body awareness का practice यही है कि आप अपनी जो शरीर है उसके प्रति aware हो जाओ. Okay. Rather than going outside, come in and आपने body के ऊपर focus करो. So your awareness will be deep, directed to different parts. So आपका पैर से शुरू होगा, then आप आपके काफ मसल पे आओगे, आप आपके हैमस्ट्रिंग पे आओगे, नी पे आओगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऊपर से अंदर से फील करवाएंगे। एंड दैट ये जो है ना, ये बॉडी अवेयरनेस योग निद्रा का एक पार्ट है, क्योंकि योग निद्रा हम नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें लेने वाले हैं, ठीक है ना। हाउ बॉडी अवेयरनेस हैपेंस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। इवन ब्रेथ अवेयरनेस विल बी यू नो टेकन इन योग निद्रा। योग निद्रा इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस। ओके एंड इट्स अ विजुअलाइजिंग टेक्निक, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट छोटा टॉपिक है तो वी कैन यू नो क्लियर इट आउट। यू हैव टू फील द कंपेनियन सेंसेशन एंड ट्राई टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो आप जब लेटे हुए हो शवासन में, एंड आई एम सेइंग दैट यू नो जस्ट फोकस ऑन योर राइट लेग फीट। ओके और फीट पे आपको सेंसेशन फील करना है, आप कहां पे भी बैठे हो, जैसे ओपन एरिया में बैठे हो या अंदर रूम में बैठे हो, सेंसेशन इन द सेंस कि आप अपने फीट पे क्या महसूस कर पा रहे हो, अंदर क्या महसूस कर पा रहे हो, बाहर जो अगर एयर टच हो रही है तो उसको फील करो। एंड दैट्स हाउ यू कैन फील द सेंसेशन। दिस टेक्निक विल हेल्प वन टू बी मोर अवेयर ड्यूरिंग आसन प्रैक्टिस। ओके सो आपको आसन, आप जब आसन प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइम पे आपकी जो अवेयरनेस है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा बिल्ट होगी। ओके एंड इट विल हेल्प यू डू आसनास वेरी वेल। सो आसन में जब करते हो आप, तो कौन से एरिया में आपको बेंड मिल रहा है, कहाँ पे आपको पेन फील हो रहा है या स्ट्रेच फील हो रहा है, दैट यू कैन यू नो बिकम मोर अवेयर आफ्टर दिस प्रैक्टिस बॉडी अवेयरनेस। एंड बॉडी अवेयरनेस आर सपोज टू बी डन इन आसन प्रैक्टिस ऑल्सो, ठीक है ना। सो बैकवर्ड बेंडिंग दे रहे हो, विच पार्ट ऑफ स्पाइन इज गेटिंग स्ट्रेच, वहां पे आपको फोकस लेके जाना है। जनरली वी टॉक अबाउट दैट ड्यूरिंग आसन कि आपको लेट्स से कौन से एरिया में आपको स्ट्रेच मिल रहा है, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो बोलते ना कि फोकस ऑन योर जॉइंट, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ बॉडी अवेयर। एंड एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर ब्रेथ भी बोला जाता है, विच मीन्स एट द सेम टाइम वी आर गोइंग फॉर ब्रेथ अवेयरनेस ऑल्सो। ओके सो व्हाट आर द टेक्निक्स। टेक्निक्स में ज्यादा डिटेलिंग हम योग निद्रा में करेंगे। यहाँ पे कैसे, जैसे प्लेस में मैट एंड ब्लैंकेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे अपना मैट बिछाओ, ब्लैंकेट बिछाओ, लाई डाउन। ओके लाई डाउन लाइक अ शवासन, और पोज जो रहता है शवासन में आप लेट जाओ। ये हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, बट उसके पहले हम समझेंगे कि क्या स्टेप्स है। फुल्ली एडजस्ट योर सेल्फ सो दैट देर इज नो डिस्कम्फर्ट। एडजस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके आपको किधर हिलना डुलना है, आपकी जगह प्रॉपर करनी है, वो उसी टाइम कर लो। ओके बिकॉज इन द मिडल आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो ऑब्वियसली है, बट यू नो यू विल कम आउट फ्रॉम द प्रैक्टिस विच यू आर डूइंग अबाउट बॉडी। ओके तो जैसे भी आपको एडजस्ट होना है, नहीं भी होना है तो एक बार हो जाओ एडजस्ट, क्योंकि बॉडी है, बॉडी को ऐसा लगता है कि बीच में कुछ करना है, तो ऐसा है कि एक चलो ठीक है आपने एडजस्ट कर लिया अपने आप। Okay, so it is written that adjust yourself now, then later during the practice. Okay, your palm should be facing upward. Mostly, ऐसे palm रख के आप ऐसा मतलब फैल के सोते हो, ठीक है ना? But if you are not comfortable with that position, you can have your position based on, because बीच में discomfort नहीं चाहिए. So whichever way you are comfortable, you are supposed to lie down. अब आ जाते हैं technique के ऊपर ही है हमसे, ठीक है? Relax your body as much as possible. Time लो, आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको योग निद्रा में चले जाना है, ठीक है ना, या फिर इंस्ट्रक्शंस पे चले जाना है बॉडी के। यू जस्ट हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ, आराम से सो जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है, आंखें बंद करो। अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के ऊपर अवेयर हो जाओ कि आपकी एक बॉडी है, ठीक है ना, वो बॉडी लेटी हुई है। ट्राई टू मेंटली क्रिएट अ पिक्चर ऑफ योर बॉडी एंड फील योर बॉडी। ओके नाउ अपने मन में एक पिक्चर बनाओ अपनी बॉडी का। You
being yourself, sit next to you. मतलब आप खुद का एक मतलब एक साइड में एंटिटी खड़ी कर दी है और आप अपनी बॉडी को वॉच कर रहे हो कि देयर इज अ बॉडी लाइंग डाउन, अपनी आंखें बंद करके, ठीक है. एंड यू आर विजुअलाइजिंग योर बॉडी, यू आर फीलिंग योर बॉडी कि देयर इज अ बॉडी लाइंग डाउन. बी अ विटनेस, बी अवेयर. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप विटनेस हो गए हो साइड में एक, और आप मतलब कि मतलब यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट देयर इज अ बॉडी लाइंग डाउन. And that's how you know aware of your sense perception. क्या आवाजें इधर उधर से आ रही है, तो वो चीजें धीरे धीरे एक एक करके आपको सुननी है, महसूस करनी है. Try to observe as many sensation as possible throughout your body. Body के अंदर कुछ भी sensation आ रहा है, touch हो रहा है या ऐसा कहीं पे भी ऐसा कुछ लग रहा है आपको, just focus. कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको. कहीं चींटी ने काटा जैसा ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको उधर खुजाने की जरूरत नहीं है. You just have to watch it. Observe it. क्या हो रहा है? Okay. After a minute, be aware of your skin sensation. Skin पे क्या हो रहा है? Right foot पे क्या हो रहा है? Is your right foot feeling calm, warm, cold, or whatever? ठीक है? Feel it. That's how the instruction should go when you are giving savasana, yoga nidra to someone, or body awareness to someone. Move your awareness to calf muscle, then thigh muscle. All the time, be aware of your skin sensation. Feel the sensation affecting your body, not the perception. Okay, so जो sensation आपकी body को affect कर रहे हैं उसको जा खाली feel करना है. Do not try to change it. Feel the sensation in your body, nowhere else. ठीक है ना, only in your body. जहां पे भी आपको feel हो रहा है वो उसको feel करना है. Mind को कहीं और नहीं लेके जाना है. ठीक है, repeat the same thing with left leg. So this is how एक एक organs को लेते लेते आप धीरे धीरे अपना focus उसके ऊपर लेके जाते हो. पीठ के ऊपर calf muscle आपके जमीन को touch कर रहा है. Feel that touch. Okay. कोई sensation उसमें हो रहा है, knee पे लेके आओ, then thigh muscle पे लेके आओ, then buttock पे लेके आओ. That's how you can bring your focus on your abdomen. Abdomen flap हो रहा है ऊपर नीचे जब inhale exhale करते हो, तो वो उसके ऊपर focus करना है आपको. Just move your focus and this is how you increase your concentration level. Okay. So that's how it is written that you know. धीरे धीरे फिंगर टिप्स पे आ गए आप, चेस्ट पे आ गए, आपके नेक पे आ गए, अपने आईज पे आ गए आप, अपने लिप्स पे आ गए, आपके नोज पे आ गए. ठीक है, लिप्स ड्राई है या कैसे है, आपके सलाइवास पे फोकस चला गया आपका, आपकी आंखों के ऊपर फोकस आया आपका, आंखों के अंदर आपको देखना है. यू आर सपोज टू वॉच योर सेल्फ इन साइड. ठीक है ना, कि अंदर क्या चल रहा है रादर ओपनिंग योर आईज. आंखों के ऊपर जैसे आपका क्या पिक्चर बन रहा है उस पिक्चर को विजुलाइज करना है खाली, उसको देखना है आपको. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फील. ईयर्स के ऊपर आ गए हो, ईयर्स के अंदर क्या मतलब आवाज, कुछ आवाज आ रही है तो उसको महसूस करना है खाली. डू नॉट ट्राई टू ऑल्टर इट, डू नॉट ट्राई टू चेंज इट. जिसकी आवाज आ रही है उसको चलने देना है आपको. एंड यू आर बिकमिंग अ विटनेस ऑफ ऑल दिस. So this is how पूरा बॉडी का जितना आप रिपीट कर सकते हो, स्पेंड टाइम ऑन दैट. ठीक है ना, इमीडिएटली आपने और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये टाइम ये चीज डेवलप होती है. इनिशियली आप शायद फोकस कर भी नहीं पाओगे. ठीक है ना, वो जॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हो और ध्यान इधर उधर जा रहा है या फिर कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, फील नहीं हो रहा है. सो ट्राई एंड गिव टाइम टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. आपने पूरे पूरे काफ मसल को ले लिया तो काफ मसल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो. कुछ ना कुछ आपको धीरे 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 सेंसेशन जरूर पता चलेगी वहां पे अंदर की तरफ की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दिस टेक्निक इज इंटेंडेड टू डेवलप योर एबिलिटी टू विजुअलाइज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस. दिस टेक्निक कैन बी डन एनी टाइम बिफोर एंड आफ्टर आसन और बिफोर स्लीप आर एक्सीलेंट टाइम. 15 मिनट के लिए आपने अपने आसन प्रैक्टिस के बाद इसको ऐड करना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट इसमें ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है योग निद्रा में, जिसमें यू कैन मेक स्टोरीज ऑल्सो एंड लेट देम विजुअलाइज. ठीक है ना, बॉडी अवेयर ब्रेथ अवेयरनेस करवा दी आपने, उसके बाद बॉडी अवेयरनेस करवा दी, उसके बाद आपने एक एक स्टोरी ऐड कर दी उसके अंदर, आपने एक विजुअलाइजिंग टेक्निक्स ऐड कर दी एंड दैट टेक्निक्स यू आर एक्सप्लेनिंग टू योर साधक और वो उसके अंदर जा रहे हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड, यू कैन ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड. और बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में जब जो चीज चली जाती है तो वो चीज होकर ही रहती है, बिकॉज वही है मतलब जो कोई भी सिचुएशन को अपने फेवर में लेने के लिए.
So that this is a technique to train that mind. Okay. And we are supposed to, मतलब जो स्टोरी इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टोरी बनानी है वो भी उस तरह की तरीके से बनानी है कि व्हाट यू वांट. अब योग निद्रा में हम समझेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स एंड हाउ यू कैन टेक अहेड ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स. तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रीदिंग अवेयरनेस एंड बॉडी अवेयरनेस.